नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विशाल शिवरे आज आपको हिम कल्पना के विषय में बताऊंगा, यानी शीत कल्पना। पंच केशाय कल्पनाओं में स्वरस, कल्क, श्रत, शीत और फांट कल्पना में आपको बता चुका हूं। अब मैं आपको शीत कल्पना यानी हिम कल्पना के विषय में बताऊंगा। देखिए, हिम कल्पना में अलग अलग आचार्यों के अलग अलग मत हैं जो सभी कल्पनाओं में जिस तरह से अपन ने दी हैं। चरक का अपना एक मत है जो, और आपका बागभट्ट का अलग मत है, शारंगर का अलग मत है, लेकिन तीनों में एक ही चीज़ कॉमन है, वो है हिम यानी शीत। यानी औषधि को हमने ठंडे जल में भिगो के रखा और सुबह उसका अपन ने मसल का छान लिया, तो ये एक हिम कल्पना होगा। एक जनरल जो अपन ने परिभाषा हिम की पढ़ते हैं। देखिए, आचार्य चरक ने जो चक्रपाणि ने जो परिभाषा दी वह है द्रव्या द्वा पो अथित तोय पतप्ते निशि संस्थातात कषायो यो अभिविनार्थित शीत समा तोयतम। उन्होंने कहा पतप्ते निशि दव्या अथो तोय, तो मतलब जल को पतप्ते निशि, पतप्ते का मतलब है गर्म जल में यहाँ डाल रहे हैं। अब आप कहेंगे कि फांट कल्पना में हमने ऐसे ही किया था, लेकिन फांट कल्पना में अपने गर्म में डाल के गर्म को ही ग्रहण किया था। यहाँ पे अपन गर्म जल में डाल रहे हैं ताकि वो अच्छे से गल जाए औषधि। औषधि गलने के बाद गर्म जल में डाल के उसको रात भर रखें, ठंडा होने के बाद अपन ने उसको निकाल लिया। तो यहाँ पर पतप्त निशि का अर्थ ये है प्रतप्त यानी तप्त, यानी तोय को पतप्त में जल में डालना है, रात्रि भर भोग के रखना है। तो यहाँ पतप्त निशि का ये अर्थ है। हाँ, उस कल्पना का एक अलग वो था क्योंकि अपन ने उस औषधि को कूट के उसका रस निकाला था। यहाँ पे अपन ने औषधि जो ली है, जो हार्ड औषधियाँ हैं, हालांकि स्वरस उसमें भी निकाल रहे थे अपन, लेकिन इसमें अपन ने अलग से कल्पना बनाई कि भैया शीत कल्पना को कई ऐसे जो औषधियाँ हैं जो शीत कल्पना में ही उपयोग की जाती हैं। हम गर्मियों में ग्रीष्म ऋतु में ही इसका उपयोग करते हैं। और इसकी जो मात्रा बताई उन्होंने, वो एक पल द्रव्य को कूट पीस के छः पल द्रव्य जल में रात भर भिगो के रखें, छः पल जल में। अब एक पल बराबर क्या होता है ये आपको मैं डिस्प्ले में दिखा देता हूँ, ये आपने कई बार पढ़ा है। तब पश्चात उसको भले भांति कूट मसल कर कूट पीस कर उसको छान लें। तो ये एक जनरल परिभाषा है। अब मैं आपको शारंगर के अनुसार परिभाषा, शारंगर ने कहा शुक्लम द्रव्य पलम सम्यका वा भी निरपले लिपुरोत्तम। यानी द्रव्य पलम यानी एक पल, अपन एक पल, और इस द्रव्य पलम का मतलब है एक पल अपन ने औषधि ली और स्याग्या भी निरा पले पुलुप्तम। ठीक है, षड पुलुप्तम यानी षड का मतलब है छः पल अपन ने ठंडे जल में भिगोया। तो यहाँ इस श्लोक का सीधा सीधा अर्थ निकल रहा है, शुगनम द्रव्य पलम स्या अडशा बिना प्ले पुलुप्तम निशो शीतम हिमहा स स्यात था शीत कषाय का। इसका एक पर्याय है शीत कषाय, तमन्नामानानम फांट वजेत सर्वत्र तेत निश्चय। आचार्य शारंगर ने सीधे सीधे अक्षरों में ये कहा इस श्लोक का जो मैं अर्थ बता रहा हूँ आपको। उन्होंने कहा अच्छी प्रकार से कुटी हुई एक पल, और अच्छी प्रकार से कुटी हुई, देखिए अच्छी प्रकार से कुटी हुई एक पल औषधि लेके, जिन्होंने द्रव्य पल मतलब एक पल औषधि लेकर के छः पल ठंडे जल में, जो उन्होंने बोला सम्यक षड पले निर्री पले, निर्री मतलब यह है नहा पे, निर्री का अर्थ है जल, निरीपले षड निरीपले पुलुप्तम यानी ठंडे जल में डालकर रात पर भिगो कर रख दें। उसके बाद उसको सुबह अपन अच्छी तरह से छान लें, कपड़ मिट्टी से अपन कपड़ छान करके अपन अच्छे से उसको छान लें। यह द्रव्य हिम और शीत कषाय कहलाता है। और उसकी जो पीने की मात्रा है वो प्रक्षेप, जो प्रक्षेप द्रव्य वो फांट के समान लिए जाते हैं। फांट में मैंने आपको प्रक्षेप द्रव्य जो बताए थे और जो क्वाथ में थे वो लगभग एक जैसे हैं। मैं आपको डिस्प्ले में दिखा देता हूँ, आप मेरे पुराने वीडियो में भी वो चीज़ देख सकते हैं। तो ये एक शारंगर का मत है। और इसकी मात्रा दो पल बताई, दो पल मात्रा है इसकी। और इसका एक पर्याय है, वो है शीत कषाय। हिम का पर्याय शीत कषाय है और प्रक्षेप दब फांट के समान लेंगे। फांट के समान मैंने आपको अभी बताया डिस्प्ले में, फिर से आप देख लीजिए, ये इसका प्रक्षेप दब है। और फांट में क्या था, क्वाथ के समान, क्वाथ के समान जो प्रक्षेप दब है, अपन जीरा ले रहे हैं, गुगुलू ले रहे हैं, लवड़ ले रहे हैं, शिला जीते प्रक्षेप दब कहलाते हैं। किस मात्रा में लेने हैं वो आपको मालूम है कि कितने देने हैं और कितनी मात्रा में, क्योंकि प्रक्षेप दब की मात्रा अलग होती है और उसकी जो हिम की मात्रा अलग होती है, यानी हिम देने की मात्रा अलग है, मानक मात्रा है, बाकी आपके युक्ति प्रमाण के अनुसार आप कितनी भी मात्रा दे सकते हैं। ये एक शारंगर ने अपने हिसाब से बताई कि ये इस मात्रा में आपको औषधि को देना है। तो
के पश्चात अष्टांग संग्रह में भी एक जो कल्प स्थान है उसके अंदर भी इसकी परिभाषा अष्टांग ने दी, अपने भागवत ने दी इसकी परिभाषा। उन्होंने कहा द्रव्या दपो थितिता तोय तत्तुप्त निशि संस्थिता। देखिए इसमें भी निशि यानी रात्रि के बारे में आया है। अतोय तोय का मतलब होता है जल, अपन ने द्रव्या तो तोय तो यही इनका इसका अर्थ निकलता है। कषायो अभि निर्याति सा हेमति परिकीर्तिता शीत सलिलतपसु निशा पर्यस्तु शीत। तो इन्होंने कहा द्रव्य को कूट कर रात भर शीतल जल में भिगो कर पाताकाल मसल कर छान लेने को द्रव्य को हिम या शीत कषाय कहते हैं। शीत कषाय इसका एक पर्याय है। कषाय क्यों, कोई पंच कषाय कल्पना में शीत कषाय, इसे शीत कषाय कहते हैं। ये अक्सर कई बार क्वेश्चन आता है पीजी में, इसलिए आप याद रखिएगा। तो हिम कल्पना करने से कि द्रव्य को शीतल जल और अर्क में भिगोया जाता है, शीतल जल अर्क में भिगोते हैं अपन इसको। शीत द्रव्य और सुगंधित द्रव्यों को उबालने पर, गर्म करने पर उसमें उष्ण वीरता आती है। अपन शीतल द्रव्य को जब भी उबालेंगे उसमें उष्ण वीरता आएगी। सुगंधित एवं कर्क के कार्मकांश उड़, जिसके जो सुगंधित जो रहते हैं द्रव्य रहते हैं वो उड़ जाते हैं। अतः ऐसे द्रव्य को सारभाग प्राप्त करने के लिए हमको हिमकल्पना या शीत कल्पना का उपयोग लेना पड़ता है। देखिए क्या होता है, कई बार ऐसे सुगंधित द्रव्य जो रहते हैं, जैसे कि उदाहरण अगर मैं दूँ, अपन अगर गुलाब को ही ले लें, गुलाब का एक उदाहरण ले लें, जनरल में उदाहरण देने के लिए बताया है, आप और भी चीज़ें ले सकते हैं। आपने उसको उबाला तो उसका भाई स्वाभाविक है कि उसके जो उसके जो सुगंध है उसकी उड़ जाएगी। अपन कभी इस तरह का नहीं करेंगे, अगर अपन को उसकी सुगंध उसको नहीं उड़ानी है तो अपन शीतल तरफ में अगर उसको गला दें, पानी में गला दें, तो उसकी सुगंध इतनी आसानी से नहीं उड़ेगी। तो ये एक उदाहरण देने के लिए मैंने आपको जस्ट बताया। आप और भी द्रव्य ले सकते हैं, ऐसे बहुत सारे आपके मेडिसन्स हैं जिनको आप ले सकते हैं और उसका प्रयोग कर सकते हैं, तो जनरली दिया जाता है इन चीज़ों के लिए। तो और ये हो गए अष्टांग संग्रह के अनुसार परिभाषा। चार चरक है जो आपको मैंने कुछ देर पहले बताया कि पतप्ते निशि का जो अर्थ है, पतप्ते निशि का अर्थ होता है, यानी आचार्य चरक ने कहा कि द्रव्य को गर्म जल में डालकर भिगोने को कहा है। गर्म जल में डाल दिया, ठंडा कर दिया और उसको फिर निकाल लिया। तो आचार्य चरक ने ये परिभाषा दी। श्रोत ने देखिए, मैंने आपको मंथ कल्पना पढ़ाया था, मंथ कल्पना और हिम कल्पना दोनों सुश्रुत ने कहा कि उसके अंतर्गत ले लिया, अपन ने उसको फांड कल्पना में लिया था। यहाँ देखिए चरक ने कहा पतपते निशि, यानी गर्म जल में अपन ने उसको किया, मतलब अपन ने ये बनाया। सुश्रुत का काल जो पहले का था, उन्होंने कहा मंथ कल्पना जो है हिम कल्पना के अंतर्गत ली, क्योंकि उन्होंने कहा जैसे इसके अंदर कहा जा रहा है कि अपन ने ठंडे जल में औषधि को कूट के डाल दिया, और मंथ कल्पना में भी अपन वही करते हैं, सेम वही प्रक्रिया है लगभग लगभग। अंतर सिर्फ यहाँ पे जल की मात्रा का है, यहाँ पे अपन ने 6 गुना जल लिया है, वहाँ पे अपन ने 4 गुना जल लिया है। यहाँ पे सिर्फ एक जल की मात्रा का अंतर है और दूसरा उसको मथ रहे हैं अपन। तो शारंगन ने यहाँ पे उसको रिफाइन अलग अलग कर दिया कि उन्होंने कहा उन्होंने उसको फांड कल्पना के अंतर्गत ले लिया, जबकि फांड कल्पना अलग है। और हमारा विमर्श भी कहता है कि इसको हिम कल्पना के अंदर रखना चाहिए, जो युक्ति प्रमाण कहता है, पर यहाँ पे उन्होंने जल का अंतर लिया है और ने कहा कि मथने से बना रहे हैं, तो उसको मंथ कल्पना की विधि फांड के अंतर्गत नीचे ही उन्होंने इसका वर्णन कर दिया कि अब ठंडे जल में ले रहे हैं, अब गर्म जल में ले रहे हैं। और यहाँ पे उन्होंने देखिए यादव जी के द्वारा, जो यादव जी के द्वारा एक इसकी परिभाषा दी, उन्होंने थोड़ा सा यहाँ पे घुमा दिया। उन्होंने कहा द्रव्य अर्थ पलम शुगणम त्रिवी त्रिधि विधि री नीर पले है त्रिभी नीर पले, यानी 3 गुना अर्धपल द्रव्या अर्धपलम शुगणम त्रिविधि पले पुलुप्तम निशि शोषितम हिमम सा स्यातस्य मात्रा पुलोपना। यादव जी द्रव्यगुण विज्ञान में इसके बारे में कहा, उन्होंने कहा कि आप आधा पल द्रव्य लीजिए और 3 गुना पानी लीजिए, त्रिगुण जल में भिगोने पर निर्देश कहा है उन्होंने। उन्हें इतना ज़्यादा हिम कल्पना बनाने की आवश्यकता नहीं है, आप आवश्यकता अनुसार उसके अंदर औषधि डालें और उतना ही आप बनाएं जितना आपको आवश्यक है। तो उन्होंने यहाँ पे उदाहरण देख के बताया, उन्होंने मात्रा इसकी जो बताई 4 तोले, इसके अनुपान जो बताया, उन्होंने जैसे गुण ले सकते हैं, मधु ले सकते हैं, उसके साथ अनुपान डालकर आप ले सकते हैं। तो उन्होंने इसके लिए श्लोक भी दिया, तस्य मात्रा पुलोपतमना, तस्य मात्रा जो अपने आगे का श्लोक कंटिन्यू कर रहा हूँ, तस्य मात्रा पुलोपतमना सीता मधु गुणा दिगस्तु कथत्व पक्षी तो भिषक, भिषक ने मतलब भिषक मतलब वैद्यों ने कहा है, इन्होंने कहा है कि इसको अपन ले सकते हैं, जो पक्षी दब की मात्रा में, जो पक्षी दब में भी ले सकते हैं और अनुपान में भी ले सकते हैं, तो दोनों मात्रा में उन्होंने यहाँ पे यहाँ थोड़ा सा अंतर कहा है। अलग किसी का मत बेकार नहीं है, सारे मतों के अनुसार आप औषधि निर्माण कर सकते हैं, बस ये है कि उन्होंने
मान लिया अपना मत है कि जिस काल में वो आए उन्होंने कहा कि इतनी सारे फांड, इतना सारा फांड, इतना सारा मत, इतना सारा हिम बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये आप इसको बहुत देर तक प्रिजर्व नहीं कर सकते, आपको तुरंत निकालना है, तुरंत ग्रहण करना है। इसलिए इन विधियों में थोड़ा अंतर आता है। आज की डेट में क्या करते हैं अपन, अपन प्रिजर्वेटिव डालते हैं जिससे वो ताकि वो चीज़ ख़राब ना हो, बाद में उसका उपयोग करते हैं। बाकी इसके उदाहरणों में जो अपन सबसे ज़्यादा किस हिम कल्पना का अपन सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं, तो गुड़ुची हिम का उपयोग करते हैं, गुड़ुची का बहुत उपयोग होता है। धानक हिम का उपयोग करते हैं। गुड़ुची की विधि मैं आपको बताया था, गुड़ुची को मोटा, वही सेम टू सेम वही प्रक्रिया है, पीसने के बाद उतने आप 6 गुना जल में भिगो के रखें, उसको छान लें, जीर्ण ज्वर में नाशक करती है। तो ये सेम 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 टू सेम उसकी विधि है, आप डिस्प्ले में भी देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। और इसके बाद धान्य खेम, धान्य खेम में इसके अलावा धान्य खेम में कि धानिया को भी अपन इसी तरह से अपन इमामदस्ते में कुछ मिट्टी में अपने मिट्टी के एक बर्तन में ले अपने जब कूट करके मिट्टी के प्याले में रख कर उसको 300 ग्राम जल आपके जल 300 मिलीलीटर जल में अपन मिला के रखते हैं। तो मिला के अपने रख दिया, उसके बाद उसको जब होते हैं मसल के उसको निकाल लेते हैं, धान्य किम कराता है। आवश्यकता अनुसार इसे अनुपान अगर अपन उपयोग करें तो अनुपान में इसमें शर्करा मिला सकते हैं। अंतदाह ये क्या करती है, अंतदाह तृष्णा आदि का समन करती है। मलमूत्र आदि में प्रवृत्त, जो मलमूत्र बहुत ज़्यादा प्रवृत्ति इनकी होती है, अतिसार इनको बढ़ता है, उनके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। बच्चों में भी बहुत उपयोग करते हैं। लेकिन क्या है कि आचार्य अग्निवेश ने स्पेशल कहा, आचार्य अग्निवेश ने कहा कि इसको पतत जल में भूगोलें। अब आचार्य अग्निवेश तो चाणक्य संहिता के, चाणक्य संहिता की वही शुरुआत वहीं से हुई, अग्निवेश संहिता भी उसको कहते हैं, तो अग्निवेश वहीं से है। तो पतत्ते ने निश्चित जो बताया, पतत्ते तो पतत्ते जल गर्म जल में भिगोने का ज़्यादा अच्छा विधान है इसका, उसके ज़्यादा अच्छे रिजल्ट हैं, ऐसा वैद्यों का मत है, ऐसा रिजल्ट पाया गया। तो उन्होंने वही प्रक्रिया, मैं आपको धान्य खेम की पूरी प्रक्रिया आपको डिस्प्ले पर दिखा देता हूँ, सेम ये भी प्रक्रिया अपन अपनाते हैं। इस कारण से धनिया, सूखा धनिया लिया 50 ग्राम जल, फिर अपने 300 ग्राम मिलीलीटर अपन ने उसको जल को मात्रा को लिया, फिर मुँह इसमें पीसा अपन ने उसको मिट्टी के प्याले में, स्वच्छ बारीक सूती कपड़े से अपन ने छान लिया, जितना निर्मित हुआ उसको अपन ने उपयोग कर लिया। फिर उसके बाद अपन देख सकते हैं कि इसके प्रसिद्ध हिम के क्या, इसको गुंगना पतप्त द्रव्य को भिगोने के बाद उपयोग में आपको बता चुका हूँ, हिम, रक्त, पित्त, ज्वर, दाहा, तृष्णा, मुख शोष आदि में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा कुछ अन्य प्रसिद्ध हिम भी हैं, जैसे आम्रादि हिम, मरिचादि हिम, नीलोत्पलादि हिम, जो वातक ज्वर और प्रलाप भ्रमण मोह तृष्णा इनमें उपयोग होता है। तो इन सब का हिम का, आम्रादि हिम में कुछ नहीं है, आम्र, जम्बू, कुचुम्ब, चूर्णिका, कते जले निक्षिपेत, हिम तस्य पिवित्तिता सशोधर, रक्त पित्त जन्म, रक्त पित्त में काम आती है। मतलब इसका आम्रादि हिम में अपन आम, जामुन, अर्जुन, त्वक जल, इनको इन सबको लेकर चूर्ण जल को डालेंगे, जल में डालेंगे 6 गुना जल में, हिम हिम के हिम शहद में, इसमें शहद वगैरह मतलब मधु डाल के अनुपान के रूप में ले सकते हैं, और रक्तपित्त में ये सहायक होती है। इसका तृष्णादु मरिच आदि हिम है जो तृष्णा रोगों में सबसे सहायक होती है। ये आचार्य शारंगर के अनुसार है। वातपित्त ज्वर में अपन वातपित्त ज्वर जो होता है इसमें नीलोत्पल आदि हिम का उपयोग करते हैं, और अंतर्द्वाय हिंद धान्य हिम का अंतर्धाम में उपयोग किया जाता है, मैं आपको बताया अभी, बच्चों में बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। मलमूत्र जो आदि जो भवती बहुत ज़्यादा होती है, अतिसार होती है, उनको दूर करती है, और तृष्णा को यानी प्यास को दूर करती है। तो ये बहुत अच्छा उपयोग है। गुड़ुची का मैं आपको बता चुका हूँ, और आपका गुड़ुची का अपने ज्वर ज्वर में उपयोग होता है, सबसे ज़्यादा जीर्ण ज्वर में, इसके और रक्तपित्त में भी धान्य खेम का उपयोग करते हैं। और यह है कि रक्तपित्त में जिसका उपयोग कर रहे हैं वो धनिया में आंवला, वसा, मुनक्का, पित्त पापड़ा आदि इन सब द्रव्यों को मिलाने के मिला करके फिर उसको अपन उपयोग करते हैं। तो ये शारंगर के अनुसार उसका मत है। इसके साथ साथ आपका ये हिम कल्पना समाप्त होता है, आपके लगभग लगभग पंचकषाय कल्पना समाप्त हो गई। अब हिम कल्पना और आदि कल्पना की उपकल्पना कुछ कुछ अपन बताएंगे आने वाले वीडियोज़ में। इसके अलावा आपको और वीडियो में कुछ पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे कमेंट्स में लिख के बताइए आपको ये वीडियो कैसे लगे। ठीक है, थैंक यू।